am very proud of you all my dear friends. मेरे बर्थडे पर आप सभी का बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला एंड माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लॉकडाउन का पालन करते हुए मैंने अपना बर्थडे पार्टी मनाया अपने घर में अपने फैमिली के साथ एंड देश इस समय संकट की घड़ी से गुजर रहा है. सो मैं अपने सभी फ्रेंड्स से एंड देशवासियों से कहना चाहूँगी कि वो अपने घर में रहें, घर से बाहर ना जाएं. एंड मेरा मानना है कि जो लॉकडाउन लगी है वो हम सभी की सुरक्षा के लिए लगा है, इसलिए आप लोग लॉकडाउन का पालन करें एंड माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशों का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है. एंड मैं जेके नेशनल न्यूज़ चैनल के शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा देश के साथ खड़ा रहता है और हम सभी की बातों को हमेशा देशवासियों तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है. थैंक्स जेके नेशनल न्यूज़ चैनल. एंड मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुंबई के सभी डॉक्टर्स एंड पुलिस को जो रात दिन एक करके मुंबईकर को बचाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं. एंड मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी प्रियंका फिल्म्स प्रोड्यूसर सुधाकर दत्त तिवारी जी को जिन्होंने गिफ्ट के तौर पे मुझे अपनी दो फिल्मों में साइन किया एंड दोनों हिंदी फिल्म है. फर्स्ट अंडरवर्ल्ड की राजनीति एंड सेकंड भी हिंदी फिल्म है, लव स्टोरी टाइप का फिल्म है. अभी उसका टाइटल कन्फर्म नहीं हुआ है, बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत जल्द फिल्म शुरू होगी. बस थैंक्स सुधाकर दत्त तिवारी जी एंड ऑल ऑफ यू. और मुझे खुशी है कि मेरे साथ इस समय प्रोड्यूसर प्रदीप कुमार त्रिपाठी सर हैं और मैं सर की भी एक फिल्म कर रही हूँ. सबसे पहले तो मैं आपको जन्मदिन पर बधाई देता हूँ, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और नमस्कार प्रणाम मित्रों. देश इस समय संकट की घड़ी से गुजर रहा है और खास करके मुंबई वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है. इस समय लॉकडाउन चल रहा है. हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश है, आदेश क्या उनका निवेदन है, वो तो देशवासियों से निवेदन किए हैं कि भाई आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहें. हम लोगों की सुरक्षा के लिए, हम लोगों की बेहतरी के लिए यही होगा कि हम अपने घर में रहें. जैसे आज अंजलि जी ने अपने घर में अपने फैमिली के साथ ही बर्थडे मनाया, तो ज़्यादा हो हल्ला करने से ज़रूरत ही नहीं है. हम लोग को अपने घर में रहना चाहिए. खासकर मैं मुंबई के शासन प्रशासन, यहाँ के डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूँ, पुलिस को, कि जहाँ से भी थोड़ा सा भी किसी को कोई किसी चीज़ की परेशानी हो रही है तो पुलिस वहाँ पहुँच जा रही है मदद के लिए. और डॉक्टर्स जो हैं दिन को दिन रात को रात नहीं समझ रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं. इसके लिए मैं डॉक्टर्स और पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अगर आपके अगल बगल में कोई परेशान हो इस समय ऐसे माहौल में तो आप उनकी ज़रूर मदद करें. और ज़्यादा बात करने का समय नहीं है, मैं फिल्मों की बात तो करूँगा नहीं बिल्कुल, इस समय देश संकट में है. बस हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे स्ट्रगलर हैं, छोटे कलाकार हैं, अगर वो बैठे हैं उनका खर्चा पानी नहीं चल पा रहा है तो इसी में हमारे फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़े एक्टर एक्ट्रेस जो हैं वो भी आगे आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में और मदद कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को भी मदद कर रहे हैं. और यहाँ मुंबई में बहुत सी ऐसी समाज सेवी संस्था है जो आगे आई हैं मदद के लिए और लोगों की मदद की जा रही है, क्योंकि मुंबई शहर देश का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, यहाँ को कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल बात होती है. लेकिन महाराष्ट्र सरकार और यहाँ के शासन प्रशासन और लोग बहुत मुस्तैदी से लगे हैं और शहर में कोई भी ऐसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि लोग यहाँ खाने के लिए परेशान हैं. जो अगर परेशानी आ रही है उसको सॉल्व किया जा रहा है. और इसके साथ अंजलि जी, मैं आपको एक बार फिर से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ. और इसके साथ मैं सिर्फ ये कहूँगा कि
जेके नेशनल न्यूज ऐसा है कि हम लोगों की बात सरकार तक या सरकार की बात हमारे तक पहुंचाने में लगा हुआ है, उसके लिए मैं जेके नेशनल न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंजलि जी, आपको दो फिल्में हमारे भाई सुधाकर दत्त तिवारी ने दिया है, हाँ मैं सुधाकर दत्त तिवारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बस आप लोग से लास्ट में एक फिर विनती है कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।